दर्द क्या है। एक बार बहुत से लोगों ने एक सभा का आयोजन किया, विषय था दर्द क्या है। सब अपने अपने हिसाब से दर्द की व्याख्या देने लगे, उदाहरण देने लगे। पहले एक डॉक्टर महोदय आए और उन्होंने दर्द को बताया कि मांसपेशियों में होने वाले खिंचाव के कारण दर्द उत्पन्न होता है। फिर एक कवि महोदय आए और उन्होंने बताया कि दर्द एक एहसास है जिससे कविता पैदा होती है, कविता जन्म लेती है। एक प्रेमी बोला दर्द प्रेमिका की जुदाई से होता है। एक ब्लॉगर बोले कि बहुत अच्छा लेख लिखिए, बहुत अच्छा लेख लिखिए, लेकिन उस पर जब कोई टिप्पणी नहीं आती है तो दर्द होता है। एक विचारक बोले दर्द वो है जो आनंद के ना होने पर हम महसूस करते हैं। एक अभिनेता बोले कि फिल्म के रिलीज होने के पहले हफ्ते में ही फ्लॉप हो जाने से दर्द होता है, जो अनुभव होता है उसको दर्द कहते हैं। एक छात्र भी पीछे ना रहा, उसने बोला कि दर्द परीक्षा में फेल होने से होता है। एक शराबी बोला दर्द बोतल के टूटने से होता है। एक प्रोग्रामर ने भी बताया भाई वो क्यों पीछे रहता, बोला दर्द वो है जब एक खूबसूरत लड़की मेरे प्रोजेक्ट को ज्वाइन करना चाहती है लेकिन प्रोजेक्ट मैनेजर मना कर देता है। एक महिला भी आई, उसने भी दर्द बयान किया, बोला दर्द वो है, दर्द तब होता है जब वही साड़ी मेरी पड़ोसन मुझसे कम पैसे में खरीद करके ले आती है। घंटों दर्द पर व्याख्या चलती रही, व्याख्यान चलता रहा। एक ताऊ जी बैठे थे, जब उनसे घंटों तक न रहा गया तो उन्होंने उठाया अपना लठ और बजा दिया धड़ाधड़ सबके ऊपर और फिर पूछा कि दर्द समझ में आ गया है कि अभी और समझाऊं। सब जोर से चिल्ला के बोले कि नहीं ताऊ, अब मत समझाओ, दर्द समझ में आ गया है। ताऊ ने कंक्लूजन में ये बताया कि जब तक दर्द होगा नहीं तब तक दर्द पता नहीं चलेगा, जब दर्द होगा तभी पता चलेगा कि दर्द क्या होता है।